Hello everyone, welcome to pharmacy class. I am Vishal and today we will study about the difference between enantiotropic polymorph or monotropic polymorph. लेकिन हम एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक केमिकल तो है लेकिन कई सारे क्रिस्टल बिहेवियर में एग्जिस्ट कर सकता है. मतलब एक पार्टिकल के डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करने के इस बिहेवियर को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने भी आपके कई सारे जो डोजेस फॉर्म होती हैं, अब इनको स्टडी क्यों करना है पॉलीमॉर्फिज्म को, क्योंकि इनके कई फॉर्म जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और कुछ फॉर्म जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा ही स्टेबल होते हैं, जिनको कि एज अ ड्रग और एपीआई के तौर पर हम उपयोग नहीं कर सकते. तो हमारा पर्पस ये होता है कि हमें ऐसा फॉर्म उसका चाहिए ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम कि उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा से ज्यादा रहे और उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू है, बायोअवेलेबिलिटी है, वो ज्यादा मिले. तो पॉलीमॉर्फिज्म हम इसी चीज को बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ. तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अब इनमें क्या होता है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. जैसे कि हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी और फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज की भी हम बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी और उनका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो. अब इम्पॉर्टेंट ये है हम यहाँ पर, हाँ एक और चीज ध्यान में रखना है कि जैसे स्टेबल स्टेट होती है और एक अनस्टेबल स्टेट होती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म डेवलप करते हैं तो मेटा स्टेबल स्टेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, इनकी हायर एनर्जी स्टेट होती है लेकिन लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है. लोअर मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होगा, मतलब वो कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, कोई भी चीज जल्दी सॉल्युबलाइज होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. अब हम देखते हैं कि एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं. तो पॉलीमॉर्फ मतलब ऐसे क्रिस्टल सब्सटेंस जो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में. तो एनेंसियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि वन पॉलीमॉर्फ कैन बी रिवर्सिबली चेंज्ड इनटू अनदर वन, मतलब उसको रिवर्सिबल हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे फॉर्म में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके उसको अलग अलग फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ये आपका एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ कहलाता है. मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या होता है कि मोनो का मतलब होता है एक ही, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब कि जो रिवर्सिबल चेंज ना हो. जिसमें वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इज स्टेबल एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे कितना भी टेम्परेचर हम वेरी करें, उसको चेंज करें, वो एक ही पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में रहेगा, तो ये मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ कहलाते हैं. फिर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे एनेंसियोट्रॉपिक में एक एग्जाम्पल है आपका कार्बामाजेपीन. कार्बामाजेपीन क्या है, एक आपकी एंटी कन्वर्सेंट ड्रग है जो सीजोफ्रेनिया या ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर में यूज होता है. तो क्या होता है कि जैसे एक टेम्परेचर है इसमें 71 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं. ट्रांजिशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपका चेंज होना. तो ये क्या होता है कि जैसे कार्बामाजेपीन है तो इसके वन एंड दो फॉर्म है, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये. ये क्या होता है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका 71 है और ये 71 डिग्री सेल्सियस में ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फॉर्म वन एंड फॉर्म टू. तो ये बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर ये अलग फॉर्म में रहेगा और अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर ये क्या रहेगा, एक अलग फॉर्म रहेगा इसका. फिर हम बात करते हैं क्लोरएम्फेनिकॉल, आपका मोनोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्लोरएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 90 डिग्री सेल्सियस और ये जो एक तरीके की एक एंटीबायोटिक ड्रग है. फिर हम देखते हैं कि एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ में क्या होता है, ये रिवर्सिबल ट्रांजिशन फेज होता है. रिवर्सिबल ट्रांजिशन फेज का मतलब यही कि ये इनका जो ट्रांजिशन फेज है ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल हो सकता है. फिर ये जो आपका होता है इररिवर्सिबल ट्रांजिशन फेज होता है आपका मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ जो होते हैं. मतलब यहां पर हम समझेंगे फोर्थ पॉइंट से कि ये मेटा स्टेबल और स्टेबल फॉर्म दोनों में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर में. ये आपके मेटा स्टेबल स्टेट में है और एक बार ये स्टेबल स्टेट में चले गए, स्टेबल स्टेट यहां पर इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टेट इसकी कि बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो मेटा स्टेबल स्टेट ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है. ऑल टेम्परेचर रेंज में ये मेटा स्टेबल स्टेट में रहेगा बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक बार ये स्टेबल में कन्वर्ट हो गया तो इट कैन नॉट बी
रिवर्ट बैक टू द मेटा स्टेबल स्टेट, और ये फिर जो है एक्सपायरी हो जाएगा प्रोडक्ट और उसकी बायोअवेलेबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, यदि एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ जो होते हैं आपका ये जो ट्रांजिशन होता है एंडोथर्मिक होता है। ट्रांजिशन एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जब ये वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं तो ये एनर्जी को एड्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी को जो है ये एड्सॉर्ब करते हैं, तो ये कहलाता है एंडोथर्मिक ट्रांजिशन। और ये क्या होता है, इनमें जो ट्रांजिशन होता है वो एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन कहलाता है। एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि इनमें एनर्जी जो है रिलीज्ड होती है जब ये एक स्टेट से दूसरे पॉलीमॉर्फ से एक दूसरे पॉलीमॉर्फ में बदलते हैं। फिर हम बात करें सिक्स पॉइंट, यदि जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट आपका पॉलीमॉर्फ है फॉर्म इसका जो है ये स्टेबल होगा बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर में स्टेबल, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बिलो स्टेबल होगा जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला है, और हायर मेल्टिंग पॉइंट फॉर्म जो रहेगा स्टेबल रहेगा अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर में ये रिवर्सिबल रहेंगे जिनको कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है इजीली। और हम इनकी बात करें तो इसमें जो हाई, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर्म जो होगा ऑलवेज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कहलाता है। फिर एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात, पॉलीमॉर्फ की बात करें तो ये अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर मॉइस्चर और ग्राइंडिंग, ये टेम्परेचर मॉइस्चर जिसको हम बोलते प्रोसेस कंट्रोल, डिफरेंट प्रोसेसेस होती है ड्यूरिंग द रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के टाइम पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टडी करना, ये टेम्परेचर मॉइस्चर ग्राइंडिंग के कारण भी तो डिफरेंट फॉर्म में नहीं बदल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसी प्रोसेस कंट्रोल करनी होती है। ये नॉट मच अफेक्टेड, मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म में। फिर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अलावा एक और वर्ड इसमें आता है एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी क्या होता है, जैसे हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक कंपाउंड का डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना, तो जो आपके एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट आपके, जैसे हम बात करें एलिमेंट में यदि ये प्रॉपर्टी होती है कि एक एलिमेंट डिफरेंट जो है क्रिस्टलाइन बिहेवियर में एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। अलग अलग जो है टेम्परेचर में वो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेशर और अलग अलग जो है फिजिको केमिकल कंडीशन में अलग अलग जो है आपके उसमें फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक और वर्ड इसमें आपको सुनने को मिलता है डायनेमिक एलोट्रॉपी। डायनेमिक एलोट्रॉपी क्या होता है कि अलग अलग वेरिएबल जब टेम्परेचर रेंज हम करते हैं, तो जैसे मान के चलो कोई एक फॉर्म दो फॉर्म और उसके तीन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो आपका, लेकिन वो हर एक टेम्परेचर में उसका एक अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो तीनों फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन उसका रहेगा, दैट इज द डायनेमिक एलोट्रॉपी। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक डोजेस फॉर्म को डेवलप जब हम करते हैं तो उसकी एक प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करना जरूरी होता है, इसलिए जो है पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसका जो ऑलरेडी पहला वीडियो मैंने बना चुका हूं आपका पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, जो मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ऑल अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टलाइन और आपका एमॉर्फस क्रिस्टल के एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस दिया गया है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।